पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि मामला पिछले साल का है। वादी लोकेश ममगई के द्वारा थाना डालनवाला में मामला दर्ज कराया था। उसके साथ जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित ने बताया कि उसने 34,80,000 रुपये में सौदा किया और उससे 21,44,000 रुपये नकद ले लिए थे, लेकिन उसे जमीन नहीं दिलाई। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और यह पूरा मामला देहरादून का है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पहले वो ढूंढते रहे, पहले ढूंढते रहे, अपने स्तर से ढूंढते रहे, हाँ ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला वो, तो उसके बाद फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया उन्होंने। एक दूसरा जो है हमारा 15,000 का इनामी जो है अभियुक्ता बालाकोट नाला पत्नी सुनील कोट नाला, इसकी अरेस्टिंग प्रेमनगर थाने ने की है। इनके हस्बैंड को 23 तारीख को गोवा से अरेस्ट किया गया था। इनके इस अभियुक्ता महिला अभियुक्ता के विरुद्ध जो है 2 फर्जरी के मामले पंजीकृत हैं। इसका इनका आपराधिक इतिहास है और ये बेसिकली जमीन खरोद फरोख में जो भी फर्जीवाड़ा करते हैं उससे संबंधित है। इसकी अरेस्टिंग हुई है।